माय सर मनोज कुमार दास, आज हम लोग पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर जो कि है एडवांस फीचर्स ऑफ सी। उसका पहला आर्टिकल जो है एरे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे, स्पेशली सी प्रोग्रामिंग के बारे में, तो एरे बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, तो एरे मैं सोच रहा हूँ कि मैं पढ़ाने के बाद ये आरे जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही इजी लगेगा। उसको हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे। तो जनरली क्या होता है, जब भी हम लोग सी और प्रोग्रामिंग, कुछ भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ते हैं, तो खुद का दिमाग में एक बैठ जाता है कि ये प्रोग्रामिंग बहुत ही डिफिकल्ट है। मगर ऐसा नहीं है। क्यों डिफिकल्ट नहीं है? क्योंकि हम लोग का लॉजिक और कंसेप्ट क्लियर होगा तो हम लोग अच्छा से प्रोग्राम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारा कॉलेज में बहुत सारा अच्छा टीचर है जो कि सी में एक्सपर्ट है और सी को अच्छा से कवर किए होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं वहां पे जो तुम्हारा कॉलेज में जितना भी पढ़ाई हुआ है उसमें कुछ ऐड करने के लिए। और मैं पढ़ाने के बाद मेरे को लग रहा है कि आरे तुमको बहुत ही इजी लगेगा। क्योंकि इजी लगना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर सी प्रोग्रामिंग। तो हम लोग पहले से भी डिस्कशन बहुत सारा आर्टिकल किए हैं। एमकेडी एजुकेशन बार बार कोशिश कर रहा है कैसे बहुत ही इजी मेथड से तुम लोग को हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, तो क्लास होने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये समझ में आ रहा कि नहीं। ठीक है, अभी शुरू करते हैं। आरे, आरे क्या है, क्लियर, और आरे का जरूरत क्या है। उसके बाद हम लोग आरे के ऊपर कुछ प्रोग्राम लिखेंगे और उसके ऊपर जो सब असाइनमेंट क्वेश्चन है वो बाद में डिफरेंट क्लासेस में वो आएगा। ठीक है, तो आरे क्या है, आरे जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि व्हाट इज डाटा टाइप। ऑलरेडी पहले क्लास में पढ़ाया, कवर हो चुका है। तो डाटा टाइप थ्री टाइप्स का होता है। एक क्या है बोलो, क्या है? प्राइमरी डाटा टाइप। सेकेंड वन क्या है? डिराइव डाटा टाइप। थर्ड वन क्या है? यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। क्लियर, तो आरे क्या है? आरे एक डिराइव्ड टाइप है। आरे क्या है? एक डिराइव्ड डाटा टाइप है। ठीक है, तो आरे को हम लोग कैसे यूज करेंगे और क्यों यूज करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं उसको क्यों यूज करेंगे। क्लियर, तो अभी सोच लो ऐसे कुछ, मैं चाहता हूं इंट इंट एन वन एन टू एन थ्री एन फोर एन फाइव एन सिक्स। मेरे पास कितना वेरिएबल है? छह वेरिएबल है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू स्टोर करूंगा एन वन में 10, एन टू में 20, लाइक दैट, एन सिक्स में 40, ऐसे में स्टोर किया। तो ये जब डिक्लेयर हो रहा है, ठीक है, ये जब हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोग्राम लिखा गया, ऊपर भी है नीचे भी प्रोग्राम है। तो जब भी हम लोग ऐसे लिख रहे हैं इंट एन वन कमा एन टू कमा एन थ्री कमा एन फोर कमा एन फाइव कमा एन सिक्स, उसका मतलब है हम लोग का जो मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, मेमोरी लोकेशन इस तरह है। क्लियर, तो ये जो सोच लो हम लोग का 2 बाइट हो सकता है, 4 बाइट हो सकता है, 1 बाइट हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा कंपाइलर यूज करें। तो उसके ऊपर ज्यादा हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। सोच लो फॉर एग्जांपल एक इंटीजर लेने के लिए हम लोग इतना स्पेस दिए या इतना स्पेस फिक्स स्पेस हम लोग दे दिए। तो एन वन सोच लो, यहाँ पे मैं एन वन लिया। तो अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं एन टू कहां पे रहेगा, बोलो एन टू कहां पे रहेगा, यहाँ पे या इसके ऊपर कहां पे रहेगा? मेरे को मालूम नहीं है। क्यों? किसी को भी मालूम नहीं। क्यों? ये यहाँ पे रह सकता है, यहाँ पे भी रह सकता है, कहीं पे भी रह सकता है, क्योंकि ये रैंडमली कोई भी मेमोरी लोकेशन में जाके रह सकता है। तो हम लोग सोच लो यहाँ पे एन टू रख दिए। ठीक है, उसके बाद एन थ्री आया, तो एन थ्री कहाँ पे रहेगा? कहीं पे भी। एन फोर कहीं पे भी, एन फाइव कहीं पे भी, एन सिक्स कहीं पे भी। ठीक है, तो अभी हम लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग, मैं बोलूंगा तुम एन फाइव कहां पे सर्च करके बोलो। तो जैसे तुम लोग सर्च कर रहे हो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में, तो ये मेमोरी में है, तो कंप्यूटर
का प्रोसेसर जाके मेमोरी सर्च करेगा, तो मेमोरी सर्च करेगा तो यहाँ से शुरू करेगा, N5 कहाँ पे है तो यहाँ पे मिल गया उसको, उसको हम लोग बोलेंगे N4 सर्च करो तो यहाँ से शुरू करेगा तो यहाँ मिल गया। क्लियर? सोच लो हम लोग को N6 दिया है, सोच लो N1000 तक है डॉट डॉट डॉट, ठीक है, तो N6 से यहाँ पे N6 तक डॉट 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 N1000 इतना सारा वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम लोग उसको एडजस्ट करेंगे। सोच लो यहाँ पे N1000, यहाँ पे N19, ऐसे सब बहुत सारा वेरिएबल है। तो अभी मैं बोल रहा हूं सर्च करो N8879 वाला जो वेरिएबल है उसको सर्च करो। तो कहां पे सर्च करेंगे? कहीं पे भी होगा, यहाँ नीचे हो सकता है, कहीं पे भी, कहीं पे भी हो सकता है। तो हम लोग जो सर्च करेंगे तो कहां से शुरू करना पड़ रहा है? ये पहले से शुरू करना पड़ रहा है, तो यहां से शुरू करके जाएंगे, सबको सर्च करेंगे, कहीं पे हम लोग को यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो और जाएंगे। क्लियर? तो ये जितना बड़ा होगा सर्चिंग टाइम उतना बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये सिक्वेंशियल ही नहीं रह रहा है। हम लोग को जनरली क्या करते हैं, हम लोग जब भी कोई लिखते हैं सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 उसी तरह रखते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे भी सीरियल हम लोग डिक्लेयर किए हैं N1, N2, N3, सोच लो ABC, कोई भी वेरिएबल ABCD ऐसे वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर किए। तो पहले कौन सा डिक्लेयर हुआ है? A, तो A पहले रहना चाहिए, उसके बाद कौन सा रहना चाहिए? B, उसके बाद कौन सा रहना चाहिए? C, उसी तरह। क्लियर? मगर यहाँ पे उसी तरह नहीं रह रहा है, ये कैसे रह रहा है? रैंडमली। कैसे रह रहा है? रैंडमली। क्लियर? तो ये जो प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग अरे। पहला पॉइंट समझ में आ गया, तो सर्चिंग टाइम हम लोग का कम होगा और मेमोरी लोकेशन में जो रहेगा, जो वेरिएबल सब रहेगा, अरे टाइप का जो वेरिएबल है जो हम लोग स्टोर करेंगे मेमोरी में, वो सिक्वेंशियली रहेगा, सिक्वेंशियली। तो पहले हम लोग को समझना चाहिए, ये देखो जैसे ये इंटीजर, ये क्या है? इंटीजर। ये क्या है? इंटीजर। ये क्या है? इंटीजर। सब क्या है? इंटीजर। तो अरे का पहला डेफिनेशन जो पॉइंट है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट्स। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट रहेगा सब होमोजेनियस, का मतलब क्या है? सिमिलर टाइप्स। तो सिमिलर टाइप्स का मतलब क्या है? ऑल एलिमेंट्स आर सेम डाटा टाइप्स। और जितना भी एलिमेंट हम लोग यहाँ पे रखेंगे, जो भी एलिमेंट हम लोग रखेंगे सबका डाटा टाइप क्या होगा? सेम होगा। कोई इंटीजर होगा, कोई कैरेक्टर होगा, कोई फ्लोट होगा, ऐसा नहीं होगा। अरे सोच लो तुम्हारा है कैरेक्टर टाइप, अरे क्या है? कैरेक्टर टाइप। तो इसमें जो भी एलिमेंट रहेगा सब क्या होगा? कैरेक्टर। क्लियर? मैं दो कॉन्सेप्ट अभी डिस्कशन कर चुका हूं। पहला कॉन्सेप्ट है अरे में एलिमेंट सब सिक्वेंशियली रहेगा, 1 by 1, 1 after another, 1 after another, सिक्वेंशियली। क्लियर? सेकेंड पॉइंट क्या बोला? सिमिलर डाटा टाइप एलिमेंट सब रहेगा एक ही अरे में। क्लियर? मैं आरए सोच लो ऐसे डिफाइन किया, आरए सोच लो मेरा आरए का नाम है ABC, आरए का नाम है। कैसे डिफाइन करते हैं उसको? इनिशियलाइज कैसे करेंगे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। आरए का क्या है नेम? क्या है? ABC। उसी के अंदर हम लोग जो भी एलिमेंट रखेंगे, ये कौन सा टाइप आरए है मैं अभी तक बोला नहीं हूं, ठीक है? तो सोच लो ये इंटीजर टाइप है, इंटीजर टाइप ये आरए है, ठीक है? तो ये आरए होगा मतलब इसी के अंदर जो भी एलिमेंट रहेगा हर कोई एलिमेंट कौन सा टाइप का होगा? इंटीजर टाइप। क्लियर? एबे पर्यंत हमें जहां पढ़िले सब बुझी पाथले, तो हमें दुईटा पॉइंट डिस्कशन करले, आरए कौन हला? आरए हला कंजुगेटिव मेमोरी लोकेशन रहइबो। प्रथम एलिमेंट जदि रहिला एठी, सेकंड एलिमेंट ता तळे बा ता ऊपर रजस्ट रहइबो, माने बुझिला तो हमरो मेमोरी लोकेशन एई बळा हला। क्लियर? एई बळा प्रथम एलिमेंट एठी में रखिले, ताले सेकंड एलिमेंट कोड रहइबो या ऊपर रहइबो नले तळे रहइबो, थर्ड एलिमेंट या पर चलला, फोर्थ एम चलला, बुझियाला? कंजुगेटिव प्रथमर जो रहिला ता परे परे रहि रहि चलिबो। क्लियर? केमिति रहइबो से हम पछे देखिबा। आउ गोटे पॉइंट हम कोन पढिले? सेकंड पॉइंट पढिले जे जो भी एलिमेंट हमें रखिबा सब गुडा सेम टाइप रो हेइजिबो। टाइप माने डाटा टाइप, इंटीजर टाइप रही थे परे, कैरेक्टर टाइप रही परे, नॉले कौन है परियो फ्लोट टाइप रही परे, तो सिमिलर डाटा टाइप का एलिमेंट को हमें गोटे स्पेसिफिक आरे रखिबा। क्लियर? बुझियाला? तो आगे बुझिबा, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग एक मेमोरी ले लिए, ठीक है। हम लोग को कंफ्यूज होना नहीं चाहिए कि ये जो साइज है कितना है, ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कौन सा टाइप का हम लोग कंपाइलर यूज कर रहे हैं। तो जनरली हम लोग बोलते हैं इंटीजर 2 बाइट स्पेस लेता है, ठीक है, जनरली 2 बाइट, तो 32 बिट होगा तो 4 बाइट, तो उसके ऊपर हम लोग अभी सोच लो, रफली सोचो कि ये सब फिक्स साइज है, ठीक है। तो इतना साइज को हम लोग दे रहे हैं एक इंटीजर के लिए, एक इंटीजर के लिए। तो अरे जैसे हम लोग लिखे अभी साइज लिखे थे हम लोग इंट ए बी सी, ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक वेरिएबल बन गया आरे। नहीं, आरे को हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो यहां पे ऐसे ऐड कर देंगे, ठीक है, ये क्या बन गया, एक आरे। फंक्शन को पहचानने के लिए हम लोग क्या बोले थे, ऐसे, आरे को पहचानने के लिए ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट, क्लियर। यहां पे हम लोग देखेंगे तो जो आरे हम लोग को क्रिएट किए वो आरे का नाम क्या हो गया, ये आरे का नेम है, नेम ऑफ आरे, क्लियर। तो यहां जो बीच में है उसके अंदर हमको लिखना पड़ेगा साइज, क्या लिखना पड़ेगा, साइज। तो साइज क्या है देखते हैं, ये क्या है, डाटा टाइप। तो तुम्हारा जो कोर्स मटेरियल में दिया गया है उसमें बोला गया है तो आरे का सिंटैक्स क्या है, ठीक है। तो आरे का सिंटैक्स देखो, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डाटा टाइप, उसके बाद क्या लिखेंगे, आरे का नेम, उसके बाद क्या लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद क्या, साइज, क्लियर। ये बन गया हम लोग का आरे का जो डिक्लेयर करने का सिंटैक्स, क्लियर। अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो साइज क्या है, क्लियर। यहां पे मैं लिख रहा हूं साइज, सोच लो 8, क्या लिख रहा हूं, 8, ठीक है। तो उसमें कौन सा एलिमेंट होगा, पहला वाला एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा, ए बी सी 0। हर बग मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, ठीक है। हर बग जो इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स, क्या बोलते हैं, इंडेक्स। तो कोई भी आरे का इंडेक्स जनरली हम लोग स्टार्ट करते हैं 0 से। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 8 है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 8 है। मैं 0 से काउंट कर रहा हूं तो कितना तक जाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7, शायद मेरे को लग रहा है कि 8 हो गया, क्लियर। तो हम लोग के पास सोच लो n एलिमेंट है, n एलिमेंट, तो हम लोग कहां से शुरू करेंगे, 0 से, कब तक चलेगा, n-1, क्लियर। तो हम लोग 1 से शुरू करेंगे तो n तक चलेंगे, क्लियर। जनरली हम लोग लेते हैं क्या, 0 से। तो आरे का इंडेक्स, पहला इंडेक्स क्या होता है, 0। तो यहां पे मैं लिखा देखो ए बी सी 0। तो ये जो वेरिएबल आ गया, ये कौन सा वेरिएबल है, पहला एलिमेंट किसका, ए बी सी आरे का, ए बी सी आरे का ये क्या है, पहला एलिमेंट। जैसे हम लोग लिखे थे इंट एन 1, ठीक है, ये पहला एलिमेंट। तो सेकेंड एलिमेंट क्या है, ए बी सी 1, क्लियर। उसका बाद वाला एलिमेंट क्या है, ए बी सी 2। उसी तरह हम लोग को मिल जाएगा जो डिफरेंट 8 एलिमेंट्स, ठीक है, हम लोग को 8 एलिमेंट मिल गया, क्लियर। तो अभी हम लोग को जानना चाहिए, सर आप तो बोले थे कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में रहेगा, एलिमेंट हम लोग को मिल गया, जैसे n1 n2 n3 n4 n5, उसी तरह ये एलिमेंट मिल गया, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। जेमिति हमें नहीं थी ले वेरिएबल a1 a2 a3 बा नो एग्जांपल हमें नहीं थी ले n1 n2 n3 सही बोलया हमरा ये वेरिएबल उड़ा नहीं लगा, कितना वेरिएबल ला, 8टा वेरिएबल, 8 वेरिएबल क्यों लिए, क्योंकि यहां पे साइज कितना दिया है, 8, पहला इंडेक्स कहां से शुरू हुआ, 0 से, तो कब तक जाएगा, 7, क्लियर। तो उसके ऊपर और ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, अभी आते हैं मेमोरी, तो क्लियर।
तो पहला पॉइंट क्या था हम लोग का, पहला पॉइंट था, दो पॉइंट हम लोग डिस्कशन किए थे, ऑल आर सेम टाइप, सेम टाइप। सेकेंड पॉइंट क्या था, कंजिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन, कंजिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन, जो मेमोरी लोकेशन होगा वो क्या रहेगा, कंजिक्यूटिव वन आफ्टर अनदर। देखो ये सब, ये एबीसी क्या है, इंटीजर टाइप, तो ये क्या बन गया, इंटीजर। ये क्या है, इंटीजर, ऑल आर इंटीजर, क्लियर। तो अभी हम लोग देख रहे हैं मेमोरी लोकेशन में कैसे रहेगा कंजिक्यूटिवली, ठीक है। तो तुम लोग बोलो ये पहला एलिमेंट को मैं कहां पे रखूंगा, तुम बोलो, सोच लो ये मेमोरी लोकेशन ऐसा है 1000 एड्रेस, ये मेमोरी लोकेशन में एड्रेस है 1000 4 22 सब लिया हूं मैं, ठीक है, 1006 1008 1010 1012 1014 1016 1018 लाइक दैट, ठीक है। तो अभी तुम लोग बोलो पहला एलिमेंट में कहां पे रखूंगा, कहीं पे भी, ठीक है। तो मैं यहां पे रख ले, यहां पर अगर स्टोर कर रहा हूं ए बी सी, पहला एलिमेंट क्या है ए बी सी, इंडेक्स क्या है जीरो, तो ए बी सी ऑफ जीरो, तो ये पहला एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट यहां पे आ गया, क्लियर क्लियर। तो पहला एलिमेंट यहां पर आया, तो उसका बाद वाला एलिमेंट कौन सा है, ये वाला, कहां पे रहेगा, कंजिक्यूटिव, तो उसके जस्ट ऊपर, तो यहां पे रहेगा ए बी सी वन, क्लियर। उसके ऊपर कौन सा रहेगा, उसके बाद बाद वाला एलिमेंट ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी और फाइव, ए बी सी सिक्स, ए बी सी सेवन, कॉन्सेप्ट क्लियर। तो दो पॉइंट हम लोग का हो गया। हम लोग जब भी स्टोर कर रहे हैं ऑल एलिमेंट्स आर केप्ट इन मेमोरी वन आफ्टर अनदर इन सीरियली ऑर्डर, क्लियर। तो ये दो पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग सर्च करेंगे, अभी सर्च करेंगे ए बी सी ऑफ फोर, इंडेक्स क्या दिया है फोर, तो ये वाला एलिमेंट है, तो ये वाला एलिमेंट एक्चुअल एलिमेंट कितना नंबर है, फिफ्थ वाला एलिमेंट, 1 2 3 4 5 फिफ्थ नंबर वाला एलिमेंट बोल रहा है। तो ये मेमोरी को हम लोग, ये सॉरी ये एलिमेंट को हम लोग सर्च करने के लिए, तो कैसे हम लोग सर्च करेंगे, सोच लो इसका एड्रेस हमको मालूम है, ठीक है, इसको बोलते हैं बेस एड्रेस, जो पहला एलिमेंट का जो एड्रेस रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस एड्रेस। तो बेस एड्रेस हम लोग को मालूम है तो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल एक फॉर्मूला है, क्या है, बेस एड्रेस, क्लियर। तो यहां पे थोड़ा स्पेस जरूरत है, तो हम लोग कौन सा एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं, ए बी सी फोर का एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं, क्लियर। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, बेस एड्रेस, बेस एड्रेस क्या है 1002, ठीक है 1002, साइज कितना है, साइज हम 22 लिए हैं, 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इंडेक्स क्या देंगे 4, तो 4 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है 4 मल्टीप्लाई हो गया, और कहां से शुरू किया है, 0 से, तो -0, क्लियर। तो अभी देखो 1002 प्लस मल्टीप्लाई से ये टोटल 8 निकलेगा, तो कितना हो गया 1010, तो इसका एड्रेस 1010 है। ए, कोई भी एलिमेंट, तुम कोई भी एलिमेंट लो, सोच लो इसका 7 का हम लोग फाइंड करते हैं, 7, ठीक है। तो बेस एड्रेस क्या है, वही सेम है 1002, साइज कितना है 2, और यहाँ पे इंडेक्स कितना दिया गया 7, तो 7 यहाँ पे कर देते हैं, तो 7 माइनस 0 कितना हो गया 7, 7 मल्टीप्लाई करने से 2 से कितना होगा 14, तो यहाँ से ऐड करने से क्या होगा 1060, देखो 1060 है कि नहीं। तो अभी हम लोग को प्रोसेसर को सिर्फ सिर्फ बेस एड्रेस हम लोग बोल देंगे, तो वो कोई भी एलिमेंट को फाइंड कर सकता है वही आरे का, क्लियर। तुम्हारा पास वो आरे का साइज 1000 हो या मिलियंस हो, जो भी हो, तो जितना भी आरे का साइज होगा वो आराम से वो एड्रेस तक पहुंच सकता है, क्लियर। तो उसको सर्चिंग टाइम बहुत कम हो गया, तो ऐसे एक एक सर्च करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरे को सिर्फ चाहिए बेस एड्रेस और साइज चाहिए,
जो इंडेक्स दिया गया वो चाहिए, तो इतना कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे जाके पहुंच सकते, तो एक एक चेक करने का जरूरत नहीं है, तो हम लोग का टाइम सेव हुआ। तो इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आर ए यूज करते हैं। क्लियर? तो अभी आर ए का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग का काम है, तो ये आर ए जो एलिमेंट है, ये जो वेरिएबल बन गया आर ए का वेरिएबल, उसमें कैसे एलिमेंट रखेंगे। यहाँ पे ब्लैंक है, देखो यहाँ पे ब्लैंक है, तो डाटा रखिए, जैसे एन वन में क्या रख रहा था 10, एन टू में क्या रखा था 20, लाइक दैट। तो यहाँ पे मैं वैल्यू रखूंगा, क्लियर? वो कैसे रखेंगे, ठीक है?